नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 0222300-1634 और 0222300-1635 पर भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, रवि दियोरा हैं कुमारजी ग्रुप के, और बीबी मेहता हैं ईडी हैं एसईए के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको मार्केट की हलचल आपको एक बार फटाफट बता दें कि बाजार में आज किस तरह का एक्शन दिखा है या इस वक्त दिख रहा है। तो एग्री में बहुत तूफानी तेजी, ग्वार में करीब 6% का ऊपरी सर्किट लगा है। बड़ी तेजी आज हमने ग्वार में देखी है। एग्री में सबसे बड़ा एक्शन आज ग्वार में ही रहा है। इसके अलावा मसालों में मामूली बढ़त जीरा टर्मरिक में, और जीरा दिसंबर वायदा तो इनफैक्ट लाल निशान में बंद हुआ है 20 रुपये नीचे। इसके अलावा गोल्ड में अगर आप देखें तो इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव करीब करीब 150 रुपये ऊपर है, 52,480 के स्तर पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा सिल्वर का मार्केट इस वक्त 300 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मेटल मार्केट में भी तेजी का माहौल बना हुआ है, और जिंक दिसंबर वायदा करीब करीब 2% ऊपर है। कच्चा तेल बहुत ही रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक खबर आई है उस पर हम बात करते हैं। खबर यह कि एडेबल ऑयल का इंपोर्ट बिल 34% बढ़ गया है, और 2021-22 में इंपोर्ट बिल 1,57,00,000, ये 1.57 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले 34% ज़्यादा है। 2021-22 में 140 लाख टन खाने के तेल का इंपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 131 लाख टन का इंपोर्ट हुआ था। तो बहुत तेज़ बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। मेहता जी, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या कुछ लगाम लगेगा इस पर? जहाँ तक वॉल्यूम का सवाल है, मेरे ख्याल से ये साल भी इंपोर्ट नियरली सेम या तो आधा मिलियन कम होगा, 5 लाख टन कम होगा, क्योंकि सोयाबीन का क्रॉप अच्छा रहा है, ग्राउंड नट नॉर्मल रहा है, और मस्टर्ड में एक्सपेक्टेड है कि भाई क्रॉप अच्छा रहेगा, तो उस वजह से थोड़ा इंपोर्ट कम हो सकता है 5 लाख टन का। अच्छा, मगर जहां तक बिल का सवाल है, 1.57 लाख करोड़ इज अ रिकॉर्ड। मेरे ख्याल से क्रूड पेट्रोलियम गोल्ड के बाद में एडिबल ऑयल बिल बन रहा है, वो चिंता का विषय है कि इतना एक्सचेकर पे बर्डन आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, कैसे हम अपनी इंपोर्ट कैसे कम करें, उस ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जहां तक का सवाल है इस साल क्या रहेगा, फॉर्चुनेटली जो लास्ट ईयर भाव इतने ऊपर गए थे, 1900 से $2,000 तक सोयाबीन सनफ्लावर है तो पाम चला गया था, अभी आधा दाम पे है रफली, तो मेरे ख्याल से बिल फिर से वापस जो 2020-21 में जो था, अच्छा 1.17 1,10,000 करोड़ के करीब, या 1,20,1.2 लाख करोड़ पे जा सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए शुक्रिया मेहता जी, माफी चाहूंगा वक्त कम है, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह है कि खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आ गए हैं, और अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर 6.77% पर पहुंची है। तेज गिरावट आई है महंगाई में, इस बात की संभावना जताई जा रही थी, और अक्टूबर में जो महंगाई है वो 7.41% से घटकर 6.77% पर यहां पर पहुंची है। और इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि जो कदम उठाए गए हैं RBI की तरफ से और बाकी के जो फैक्टर ऐड हुए हैं, उसके बाद महंगाई में कमी आएगी, और देखिए एग्जैक्टली महंगाई अब 7% के नीचे आ गई है, इस वक्त की ताज़ा खबर आप देख पा रहे हैं। और इसकी उम्मीद अलग अलग तरीके से की जा रही थी, RBI गवर्नर ने भी ये कहा था कि महंगाई के आंकड़े कम होंगे, महंगाई में कमी आ सकती है, और एग्जैक्टली आप देखिए महंगाई के आंकड़े कम आए हैं। खाद्य महंगाई 8.6% से घटकर 7.01%, तो ऑलमोस्ट आप देखिए करीब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट खाद्य महंगाई दर में आई है। ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, और ओवरऑल जो CPI नंबर है वो 7% के नीचे आ गए हैं, जिसको लेकर बहुत बड़ी चिंता थी। लगातार RBI की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाई जा रही थी,
ताकि महंगाई को काबू में किया जाए। जो ग्रामीण महंगाई दर है वो 7.56% से घटकर 6.98%, ये भी 7% के नीचे आ गई है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। अक्टूबर के महीने में जो खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आए हैं वो 6.77% पर पहुंच चुके हैं और 7.41% से घटकर, ये एक राहत की बात है। और जो कदम यहाँ पर अलग अलग तरीके से उठाए गए हैं उसका इम्पैक्ट अब महंगाई के आंकड़ों पर दिखने लगा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया भर में इस वक्त महंगाई की चर्चा ज़्यादा है, महंगाई को लेकर चिंता है, और लिहाजा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ब्याज दरें लगातार बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में भी आप देखिए महंगाई वहाँ पर कम हुई है, और क्योंकि वहाँ पर भी लगातार दरें बढ़ाई गई हैं फेड की तरफ से, भारत में भी बढ़ाई गई हैं। दुनिया के बाकी सेंट्रल बैंक भी लगातार महंगाई को काबू करने के लिए अलग अलग तरीके से कदम उठा रहे हैं। चलिए, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुजान हाजरा जुड़े हैं, ईडी एंड चीफ इकोनॉमिस्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज के। सुजान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला कमेंट आपका क्या होगा महंगाई के आंकड़ों पर? हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि महंगाई तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, और हम लोगों को मगर ये भी लगता है कि इसे बड़ा एक कॉल लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मंथली नंबर जनरली काफी वोलेटाइल होता है। इट्स पॉसिबल गोइंग फॉरवर्ड आल्सो कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से नीचे ना आए। हम लोगों को लगता है लगभग फेब्रुअरी मार्च 2023 में जाके महंगाई दर सिग्निफिकेंटली नीचे आएगा, उसका पहले 6% का आसपास रहेगा नंबर। तो सर, जो आरबीआई का टारगेट है उससे तो फिर भी दूरी रहेगा? हाँ, आरबीआई का टारगेट तो दूरी रहेगा, बट ये क्या होता है, टिपिकली इन्फ्लेशन नीचे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और तक काफी सारा टाइटनिंग किया है, जो कि लास्ट पॉलिसी ये जो स्टेटमेंट दिया गया था जो क्यूमुलेटिव टाइटनिंग हुआ है धीरे धीरे दिखाई, और इन्फ्लेशन शायद महीने एलिवेटिव इन्फ्लेशन मोरल नीचे का तरफ भी होगा। ओके, अच्छा एक सवाल हाजरा जी मेरा आपसे और होगा कि अब चूंकि आरबीआई गवर्नर ने भी इस बात की उम्मीद जताई थी कि महंगाई अब यहाँ पर कम होगी और गिरावट का ट्रेंड तो हमने देखा, लेकिन अब यहाँ से आपको आरबीआई का अप्रोच इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या दिखता है? क्या स्पीड वही रहेगी या उसमें कुछ कमी आप देख रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली इससे कमी देख रहे हैं। तो हम लोगों को क्या लगता है कि आरबीआई का जो लास्ट पॉलिसी का जो मीटिंग जो मिनिस्ट जो आया है, तो उससे लगता है कि नेक्स्ट जो पॉलिसी आएगा शायद आरबीआई वहां पे कोई चेंज नहीं करेंगे, जो हम लोग बोलते हैं पॉज होगा। और मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आरबीआई आगे जाके भी इंक्रीज नहीं करेगा। हम लोग को लगता है एटलीस्ट अनदर इंक्रीज होगा, मगर शायद उसका वादी होगा वो इंक्रीज। अच्छा ठीक है, अब एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ सर, ये जो अभी आपने कहा कि आगे 6% तक महंगाई आएगी, लेकिन अभी हम 6.77% पर खड़े हैं, ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पर क्या ये मंथली गिरावट का ट्रेंड मतलब लगातार बना रहेगा या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा? मंथली मैं जो बोला कि मंथली जो रेट है वो थोड़ा वोलेटाइल होता है। यहाँ पे आप देखिए जो तीन मेन कंपोनेंट है सब फूड, बट जनरली आप देखेंगे नवंबर से फरवरी मंथ तक फूड प्राइसेस नीचे जाते हैं, क्योंकि जो स्पॉयलिंग होता है वो जनरली बिकॉज कोल्ड सीजन में वो स्पॉयलेज कम हो जाता है, इसलिए और न्यू क्रॉप भी आते हैं, उसका वजह से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इसका प्राइस जनरली नीचे जाता है, और उसका वजह से हम लोगों को लगता है कि फूड इन्फ्लेशन जो कि अभी सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन को ड्राइव कर रहा है वो उसमें थोड़ा आएगा, और इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइस भी करेक्ट किया है उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो मैं जैसे बोला कि डायरेक्शन नीचे का तरफ रहेगा, मगर ये उम्मीद करना सही नहीं होगा कि बहुत जल्दी इन्फ्लेशन नीचे आएगा। हम लोगों को लगता है कि आसपास इन्फ्लेशन आते आते मार्च 2023 हो जाएगा। ओके,
बहुत शुक्रिया सुजान हाजरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महंगाई के आंकड़ों पर अपनी राय देने के लिए कि आप हालांकि ये कह रहे हैं ये उम्मीद है कि आगे महंगाई के आंकड़ों में हम और कमी देख पाएंगे। अब बात करते हैं गोल्ड की। बीरेन जी, गोल्ड में क्या किया जाए सर? आज आप देखिए करीब करीब 150-200 रुपए के रेंज में मार्केट सुबह से घूम रहा है। आज कॉमेक्स गोल्ड करीबन $8-10 नीचे है, उसके सामने रुपए में काफी वीकनेस आई, मींस 80.50 से 81.20 आया, तो दोनों मार्केट एक दूसरे से विपरीत होने के, मींस करेंसी और गोल्ड, तो इसके लिए यहाँ सीमित दायरा रहेगा। इस लेवल के ऊपर मींस 52,500-56,000 के लेवल के गोल्ड पर मुझे बाइंग थोड़ी कम दिलचस्पी लगती है। थोड़ा एग्रेसिव अगर कॉन्ट्रैक्ट और लेना है तो हम शॉर्ट जा सकते हैं 52,600-650 के आसपास, 52,950 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, हम 52,100-200 के आसपास लक्ष्य रख सकते हैं। ओके, चांदी पर आपका व्यू रवि जी, सिल्वर में भी सिमिलर ट्रेंड? जरूर से, जैसे वीरेन जी ने बात किया, आई थिंक वहां भी थोड़ा बहुत अभी जो डॉलर इंडेक्स में आज रिकवरी आई है तो थोड़ा बहुत प्रभाव नेगेटिव साइड है, साथ में इंटरनेशनल मार्केट में 2170 के इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो रिवर्स हुआ है, तो मुझे लग रहा है मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत वहां पे रह सकते हैं। 61,900 के करीब प्राइसेस चल रहे, बेच के चलना चाहे, अपर साइड 62,280 का स्टॉप लॉस, डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 61,280-300 तक के लेवल्स आपको एक से दो ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहे, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड सेलिंग साइड मुझे फेवरेबल ज्यादा दिख रहा है। क्या अच्छा, क्रूड पर आपका व्यू क्या होगा बीरेन जी? मार्केट बड़ा रेंज में है, हालांकि चाइना से जो खबर आ रही है ओपन अप होने की, उससे डिमांड बढ़ने की उम्मीद में मार्केट ने कुछ छलांग तो लगाई, लेकिन बाजार अभी भी दुविधा में दिख रहा है, करना क्या चाहिए कच्चे तेल में अभी? मार्केट काफी समय से सिर्फ नेगेटिव न्यूज को रिस्पॉन्ड कर रहा था, जैसे यूक्रेन वॉर या चाइना लॉकडाउन या महंगाई दर, डॉलर की तेजी, तो अब उसका मूड थोड़ा चेंज हुआ है, फील गुड टाइप का हुआ है, तो वो पॉजिटिव न्यूज की तलाश में, उम्मीद पे दुनिया कायम के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव न्यूज ढूंढ रहा है। बट डिमांड का जो कंसर्न है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि चाइना ने सिर्फ क्वारंटाइन पीरियड कट किया है, अनलॉक नहीं किया अभी, तो जब तक रियल मटेरियल अनलॉकडाउन ना होवे तब तक इसमें कोई ये न्यूज़ में ज़्यादा पढ़ना वाली बात है, तो अभी भी मैं समानता हूँ कि टॉपिश है, मीन 7,300-7,400 का क्रूड चलना मुश्किल है। ठीक है, अच्छा आपकी कॉल कुछ रवि जी कच्चे तेल पर? कच्चे तेल पे मुझे थोड़ी रिकवरी दिख रहे, पर्टिकुलर एक सेंटिमेंटल रिकवरी है, साथ में अभी तक जो क्यूज थे उसमें इवेंट्स कम थे, ओवर्स ज्यादा थे, बट अभी थोड़ा बहुत सेंटिमेंट रिवर्स साइड जा रहा है, हालांकि बड़ी बिग बैंग तेजी नहीं, बट अभी जो रियल एस्टेट के ऊपर काम कर रहा है चाइना या स्टिमुलस मेजर्स ले रहा है, मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सेंटिमेंटल सपोर्ट क्रूड को मिलना चाहिए, बट दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी, वो थोड़ा बैकवर्डेशन में चल रहा है, 7,080 के करीब बाय करना है, 7,200 का टारगेट एंड 7,010 के स्टॉप लॉस के साथ ये व्यू लिया जा सकता है। ओके, अच्छा बीरेन जी, मेटल में कोई टॉप पिक सर आपकी आज के लिए बेस मेटल में? यार लीड में हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी लेगिंग मार्केट है, तो इसमें री रेटिंग आना चाहिए, यहाँ 182 के आसपास बाय कर सकते हैं, 186 का टारगेट रहेगा, 4-5 दिन का व्यू है, स्टॉप लॉस 181 का रहेगा। ठीक है, अच्छा लेड में आपकी राय ये है कि आप बाई करें 186 के टारगेट के लिए, 182 पर बाई कर सकते हैं, 181 का स्टॉप लॉस, ताजा भाव 183.35 का है। जिंक में क्या करें रवि जी? जिंक में भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है 273 के करीब बाई करें, 278 का इंट्राडे टारगेट रहेगा, नीचे 270 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले जा सकते हैं, अभी प्राइसेस 274 के करीब चल रहे, थोड़ा बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे, मुझे लग रहा है कि अभी जो फंडामेंटल्स है जिंक थोड़ा वेल प्लेस्ड है और वहां पे रिकवरी देखनी चाहिए। ओके ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।